सभी भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल राहुल तोमर नस्ल सुधार उत्तर प्रदेश में। जय गो माता, जय भारत, मेरा भारत माना। आपको जो वीडियो जो ये दिखा रहे हैं तो ये बरला छपार की जो वीडियो है, और ये जो तो ये सामने जो खड़ी है जो टी, तो ये 20-20 किलो दूध की है, 20 किलो की है। और जो सारी जानकारी सारी भाई से लेंगे, बहुत जागरूक जो हमारी यूपी के जो पशुपालक है, और ये तो इंट्रोडक्शन लेंगे, पहले तो जो भाई का परिचय लेंगे, नाम जो ले। हाँ नमस्कार जी भाई जी। नमस्कार जी। हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और हमारे जो जो दर्शक भाई है उनकी तरफ से आपको, तो उनकी तरफ से राम राम। तो हाँ जी बताइए, आप जो पहले तो अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम पवन त्यागी है, गाँव छपार। हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर है। हाँ जी। हाँ जी। और ये जो हम झोटी लाए थे खार के, हमें इसने 16 लीटर दूध दिया था। अच्छा, इसने 16 लीटर। हाँ जी। अच्छा जी। अपने घर की है भैंस। हाँ। थी 19 लीटर दूध की। अच्छा। और करमवीर जी हैं जो, हाँ सुनारिया के। हाँ। उनसे ही सीमन लाए थे योगराज का, ये योगराज की झोटी है। देखे साथियों, योगराज की भी आप तो ये झोटी देख लो पहले, इसके रंग ढंग जो क्या मतलब गजब की झोटी। 19 लीटर दूध दिया भाई, एक्सीलेंट। ये पीछे जो इसका जो जो पुट्ठा चढ़वा देखो जो, और नीचे से भी आपको मैं की कवर करवा दूं भाई। वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट भाई, बहुत अच्छी और मतलब गजब की जोटी। तो दूसरा होगी। अच्छा, थोड़ा लेट हुई। तो आप कितनी भैंस रखते हो? भैंस तो लगभग 8-9 हो रही। अच्छा, 8-9। चलो मैं साथियों जो वीडियो को जुड़े रहे, देखते रहे, जो पवन भाई के पास जो मतलब सारी भैंस दिखाऊंगा। आज इतनी दूर आए तो जो हमारे वहाँ से 70 किलोमीटर के जो लगभग है, और जो हरिद्वार यहाँ से बस मेरे हिसाब से पास में होगा। हाँ लगभग 70 किलोमीटर। हाँ, इनकी भैंस को AI की है, और बताएंगे वो AI जो करी तो वो जो कि कौन कौन से बुल सकी है, और M51 और बेताब सकी है, जो बेताब जो लाडो भैंस का है जी, जी। उसकी माँ का 28.5 किलो दूध तक का रिकॉर्ड रहा, और मेले में भी जो वो चैंपियन रही, जो मेले में अभी उसका 26 किलो दूध तक का देखा गया है। तो ये बता जी, दूसरी भैंस ये तीसरे प्यात में। हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो इसने कितना दूध दिया? इसने हम इसे पालट बाकड़ी लाए थे। हाँ, बाकड़ी लाए थे। 5 महीने की आवरण थी। हाँ। उसमें 16 लीटर दूध था। थोड़ी सी आवाज ऊंची करके। उसमें 16 लीटर दूध था उस टाइम। अच्छा भाई, पालट बाखड़ी को जो हमारे यहाँ पलटी बोल रहे हैं, जो बाखड़ी बोल रहे हैं जी जी। अच्छा, जब बाखड़ी में 16 किलो दूध था। हाँ जी, अब की बार ये दूसरे प्यात में है। हाँ। और इसने 19 लीटर दूध दिया यहाँ से। अच्छा, 19 लीटर दूध दिया। तो भी बता रहे थे, बोला खार के कि इनने दूध दिया 20 किलो। हाँ जी, हाँ जी, 21 किलो दूध बताया थे तो। 21 किलो। हाँ देखे साथियों, आप भी बताना एक बार, जो मिल्क वैन भी है अच्छी, ये जो नसूप है, और ये 20 किलो दूध की आपको लगी या नहीं लगी? वैसे तो दूध की भैंस लगी, इसका बॉडी स्ट्रक्चर, इसके सींग विंग रंग ढंग जो बता रहे, थोड़ा इन्फेक्शन बढ़ गया था अगली बार इसमें। अच्छा अच्छा, चलो साथियों, और जो डेयरी की और भी बारीकी जानेंगे जो पवन भाई से, क्या क्या उसका जो खिलाना चाहिए, क्या इसमें फायदे हैं क्या नहीं। कटिया 4 महीने की। और ये साथ जो देख रहे हो जो कटिया, तो ये कटिया किसी बुल की है? 1470-10। हाँ, जो हर विलास का जोड़ता है। हर विलास के जो पास जो भैंस थी H56 की थी वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो H56 का बच्चा था 1470-10, और 1470-10 का बाप जो लोग बाग अभी फील्ड में बताते, R10 का था वो। R10 का था। तो राम जाना था या नहीं, वो तो नहीं जो अभी कन्फर्म है पूरा। चलो जी, जो जो पवन भाई की और भी भैंस तो आपको दिखाते हैं, आइए। तो साथियों, तो ये भैंस बन रही, तो ये पवन भाई की है, तो ये दूसरी तरफ है जो यहीं पास में, थोड़ी जगह की थोड़ा अभाव है, तो यहाँ से शुरू करो जी। तो ये भैंस है, तो ये कितने किलो की भैंस है? ये 15-16 किलो दूध देती है जी। अच्छा, तो हटाओ भैंस, देख लो। देखो साथियों, लेकिन बस ये भूल जाओ कि कितने लंबे टाइम दूध दे। अच्छा, लंबा दूध देती है? बहुत लंबे टाइम दूध दे। अभी फिलहाल भी इसमें 12 लीटर दूध, 5 महीना क्या बनकर चल रहा है। हाँ, पर ये खरी है, खरी है बस, तो ये काफी लंबा दूध देती है। देखे साथियों, सांड का भी अगर आप चयन करोगे उसी का करो जिसके माँ बाप का दूध का रिकॉर्ड। अगर माँ बाप का दूध का रिकॉर्ड नहीं है तो सांड कितना सुंदर हो, कितना लंबा हो, कितना तकड़ा हो, वो मतलब बेकार है, तो वो मीट बोले। तो वो दूसरा दिखाए, खुजाए तो गम नहीं, सोने से कम नहीं, कितनी छोटी है और उतनी खोटी है। देखो साथियों, आप जो आपको बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से कि बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, तो बड़ी भैंस ही दूध नहीं देती, क्योंकि जींस दूध देते हैं। हाँ, तो जींस ही दूध देते हैं, तो वो दिखाओ जी। तो ये साथियों इसकी AI की है। हाँ, तो ये खड़ी जो, तो ये बेताब बुल से, तो ये क्या किलो की है?
ये 16 लीटर दूध चाहिए। देखो साथियों जो नीचे जड़ थाने की, ठीक है, ये भी 16 किलो की है। तो ये कटिया तैयार, तो ये कटिया देखो, अगले देखो नहीं है इसका, सीमन रखवा दिया कल। अच्छा हाँ जी, तो ये किस सांड की है भाई? ये तो पता नहीं, तो पता नहीं। अच्छा अच्छा, ये भैंस की कटिया। अच्छा इसके तो ये चाहिए थी भाई, और ये वाली ये। अच्छा और ये वाली, ये हरियाणा से लाए थे, दाम में 6 थी। हाँ हर दिन 16 लीटर दूध दिया था। अच्छा वाली, ये वाली जी। तो ये कितने के लिए थी बताऊंगा? 1,30,000 की। हाँ जी, दांतों में 6 थी। जो दांतों में 6 है, 1,00,000 जो आपने जो 30,000 खरीदी, ठीक है। और ये वाली, ये तो पीठ में से लाई होगी। अच्छा सारे पारसी में से लाए। अच्छा अच्छा, पारसी पीठ में नहीं। हाँ जी, 16 लीटर दूध है फिलहाल भी। जी हाँ, तो वहाँ तो मेरे सब आर लग, तो जो लगा रखे होगा असील वो होता। तो जो आपने जो पारसी पीठ में खरीदी, तो ये कितने खरीदे? ये हमने 1,13,000 रुपये की। अच्छा अच्छा, वहाँ से। हाँ जी, थोड़ी सी पाखी तो काट गए। हाँ जी, पाखी डाउन है, दूध पूरा। अच्छा 1,13,000 रुपये की खरीदी साथियों, देखो, और 16 किलो दूध। तो रेट तो मेरे हिसाब से ठीक से मानो है, बढ़िया है ना, महंगी ना मंदी है ना, 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 तो मेरे हिसाब से जो और जो बाहर अगर बाहर लेने जाए तो वहाँ तो कोई नहीं देगा। अच्छा वाले दिखाओ फिर, ये कटिया तो ये ना तोड़ गई, दो बार ज्ञापन करा ली, रिपीट हो रही। अच्छा रिपीट हो रही, देखो साथियों ये पूछ कट गई थी, पूछ कट गई थी। और ये भैंस थी बहुत अच्छी, 18-19 लीटर दूध आराम से, बस ये भूल जाओ कि कितने दिन लेना देना। जो इसकी माँ थी नॉर्मल टाइप। अच्छा और ये वाली, ये मंजीत भाई है, झज्जर से। साहब मंजीत कौन से गांव का है? मंजीत का तो चैनल भी है ना? हाँ, उनका चैनल भी है। हाँ, क्या नाम है? खेड़ा थ्रू। अच्छा खेड़ा थ्रू का है। हाँ, तो कितने की खरीदी थी ये? ये 1,35,000 रुपये की दी थी, 18 लीटर दूध उसने क्या कर दी थी, 17 दिया मैंने। चलो 1 किलो तो कोई बात नहीं, इतनी चाहे सरकार लोगों की। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और ये क्या बना है? शेरे पंजाब से। शेरे पंजाब पास करवा दी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और तो आप जो फीडिंग में क्या खिला रहे हो? तो वो फीडिंग में चने की चूरी है। हाँ, बिनोड़े की खड़े, गेहूं का दलिया। अच्छा, बस नॉर्मल। तो इनका फैट क्या आ जाता है? फैट फिलहाल 85-89 ये चल रहा है जी। अच्छा, तो सब दड़े का दूध जो तो कितने रुपए का दूध पड़ जाता है? लगभग ये पड़ रहा है 70 के हेरफेर में। अच्छा 70 रुपए किलो में दूध पड़ जाता है। हाँ जी हाँ जी। तो जो तुम्हारी जो मेहनत हो रही तो वो वसूल हो जाए? वो देखो भाई, महंगाई तो आई, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मंदा तो तेजी भी आओगी। पर लेकिन आप बोल रहे थे जो एक बात कि दूध के साथ साथ अगर जो पशुपालक है तो ब्रीडिंग का काम, अपने बच्चे अपने आप तैयार करो, अगर ब्रीडिंग का काम करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आम के आम और जो वो गुठली के दाम होगा जी जी, बाहर से लाने की जरूरत आपको 1-1.5-2 लाख के पास। और हमारा इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, अगर वो जो अपनी खुद की कटिया नहीं पाल सकता फिर उसका फायदा ही क्या है? तो भैंस लाने में रखने में नुकसान। हाँ, उसको भैंस रखने में है, मतलब कि जो एक एक आदमी अगर एक तो दो कटिया पड़ेगा और जो अच्छी ब्रीडिंग करके पड़ेगा तो दूध, और हमारी यूपी में, हमारी जो पश्चिमी यूपी है जी, सबसे ज्यादा दूध देती है भैंस जी। हमारे यहाँ तो हरा चारा बहुत उपलब्ध है। हाँ, यहाँ का जो यहाँ का चारा भी बहुत बढ़िया है, यहाँ का जो पानी बढ़िया है, जो बल्कि जो थारा पानी जो पानी और बढ़िया है। तो साथियों आज ये गाँव की दूरी हमारे वहाँ से 140 किलोमीटर के जो लगभग है। आज तो ये पवन भाई है, तो जो इनकी तो यहाँ AI की, और साथ में हमारे जो डॉक्टर साहब भी है जो, तो यहाँ जो डेयरी देखते हैं जो पवन भाई की, तो ये भी खड़े, तो इनका परिचय। आपका नाम क्या है? रोबिन सिंह है जी। रोबिन सिंह। अच्छा आपका तो नाम रोबिन सिंह। तो यहाँ पे आप ही देखते हो डेयरी? तो नहीं, रिजल्ट लिया कोई जो जो कटिया भी आएगी दूध में? शेरे पंजाब ये लाए थे हम सनसनीवाल से, ये जो HSP है इनकी, नितिन राणा के पास माकुड़ पे। हाँ, वहाँ से सीमन लाए थे, वो शेरे पंजाब से पास है, और एक 5 महीना लग रहा है। चलो चलो, वादी नवाब से। अच्छा अच्छा, चलो साथियों। तो भाई एक ये कटिया है जिसके लिए लिखो नीचे से। हाँ अच्छी है भाई, भाई वाह क्या कहने, एक्सीलेंट, ठीक है ठीक है, देख ली बेहतरीन। तो जी आज जो हमारा बुलाने का मकसद आपका क्या था, जो ब्रीडिंग पे ही था? ब्रीडिंग पे ही था, थोड़ा हमें भी और जानकारी मिला आपसे भाई, आप इतने जागरूक लोगों की भाई तो, साथ दे रहे हैं उनका भाई। तो, हाँ हाँ, हमने चैनल देखा आपका, सब्सक्राइब करा तो देखा भाई, चलो कोई हो तो है यूपी में साथ देने वाला, नहीं तो यूपी कहाँ पिछड़ जाएगी बताओ यार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत करने वाले। आप बोल रहे थे कि मैं मेहनत करूंगा, अब जो मतलब कुछ मेरे नाम का सूरज अलग ही टिकटा का जब टिकटा का, अरे वाह खूब करूंगा जितनी हो सके। हाँ, तो देखो जो फल तो भगवान देगा है, बस ही मालिक तो वही है जी। देखो साथ जो मेहनत करनी चाहिए, और जो हम सभी भाई अपन जो भाई जैसे जो बनेंगे तो कुछ आगे जाकर बड़ा करेंगे।
और भाइयों एक दूसरे की टांग खींचना जो यहाँ पर बंद करो, एक दूसरे का सब अपने भाई है, सब अपने भाई है, एक दूसरे का साथ दो। और अगर कोई तो अच्छी अच्छी ब्रीडिंग के बारे में, फीडिंग के बारे में जिसे जो जानकारी हो आपस में अपने आपस में शेयर करें, और उसमें एक दूसरे का देखो, एक अच्छे खिलाड़ी का जो प्रण और नियम भी है कि जो मतलब दूसरा अगर अच्छा आदमी है तो उसकी तारीफ करे, किसी निंदा ना करे, किसी की बुराई ना करे। निंदा तो करनी चाहिए, तो बुराई वो करेगा जो कि जो खुद में घटिया होगा, बुराई होगा जो खुद में बुरा होगा, अगर वरना अच्छा आदमी तो किसी की बुराई तो वो करता ही नहीं। भाई को आज M51 और बेताब दिए, इन दोनों बुलों से तो आप दोनों बुल से इनसे तो आप सर्टिफाइड हो। जी जी जी, लड्डो का तो वैसे भी बहुत अच्छा रिजल्ट है लड्डो के बुल का, इसका भी। और साथियों जो हमारी एक ही क्वालिटी है, जहाँ भी सीमन देंगे तो ओरिजिनल ही देंगे। जी जी, तो हमारी गारंटी के साथ सीमन देते हैं। सबसे मेन चीज यही है, हमारे हमने एक कटिया में दूध कराई, हाँ। अच्छा सीमन नहीं मिला, हाँ। हमारे 3 साल व्यर्थ हो गए, हाँ, बेकार, हमारे साथ धोखा हुआ, हम आगे कैसे बढ़ जाएंगे। सही बात है, आगे बढ़ाने का मकसद ही डॉक्टर है भाई, हमें क्या पता ओरिजिनल की नकली क्या होगा। खेत में जो बीज बोओगे वो ही पैदा होगा, बीज गए तो सारा ही खेत, हाँ, तो वही जमेगा। प्लांट पे ही निर्भर करो। फिर से आपको समझाता हूँ, लोगों ने मोटे मोटे जोटे पाल रखे, जो उनको मक्की खिला रहे, उनको तकड़ा कर दिया, तो हमारे यहाँ के लोग बेचारे क्या है, पहले जो मतलब मैं भी ऐसी सोचता था जब मैं छोटा था, केवल झोटा ठाड़ा ले आओ। जी जी, तो झोटा ठाड़ा ले आओ तो वो झोटा ठाड़ा नहीं है, जो मशीन दूध देते हैं, चाहे वो सांड छोटा भी हो, पर लेकिन उसके माँ बाप का दूध करके वो दूध की कटिया पैदा तो वो तो करेगा। तो जी, तो साथ और कोई बात, डॉक्टर साहब एक बात और कहना था, इस भैंस की जितनी तारीफ की जाओ उतनी थोड़ी है। हाँ, इस भैंस को बेचने का शायद इसके कोई 1 करोड़ दे दियो। क्यों क्यों क्यों? एक तो अपने मन भारी, हाँ, एक फैट इसकी 85-89 से कभी कम नहीं आई, ताजी हो या बांकड़ी। अरे बाबा, और चले जा 120 तक बहुत, देखो जो जो फैट से बात जान आ गई, हमें 16 लीटर दूध, हमें फैट पे भी काम जो करना चाहिए। देखो ये 16 किलो दूध और दूसरी 20 किलो दूध, अगर उसका जो फैट है 60 का, इसका है समझो 16 किलो दूध, तो या उसे मार रही, हाँ जी, हाँ। तो साथियों हमें ब्रीडिंग करनी तो वो फैट पे भी करनी। और ये पीठ में से ही लाया था मैं, अच्छा, मंडियाई की पीठ में से पर एडवांस लाया था 65,000 रुपए। या हाँ जी, देखो साथियों पांचवा महीना क्या बनता और 10 किलो दूध दिया था। अच्छा, तो मैं अभी ये सोचता हूँ कि यार ये लोगों ने बेची क्यों, मैं तो बेचने का 6 करोड़ रुपए दे दो इसके। हाँ, तो वो मन भाने की बात है भाई, दूध को तो बस ऐसा खा दे। ये मुर्रा की कैटेगरी में है पूरी, इसके सींग भी घुमावदार है, अच्छे सींग है। कोई और बात बताऊं, कोई ऐसी नहीं था जी, बस तो ये झोटा ले रहे जो वैसे काम करने के लिए अपना काम चला हुआ है। तो आप क्यों ना, आपको मैं वो करना बता रहा, तो आप वो ले लो, वो दिलवा दो, वो करना इतना बड़ा हो रहा है जितनी, तो यह कटे थर बीच वाली का, हाँ वो वाली, उसका कुछ लड़का है बस, हाँ, चलो कोई नहीं, तो वो अगले, हाँ वो M16 का है और मेरे हाथ का है, तो बच्चा है, अरे वो ही तैयार करेगा फिर बच्चा, जो आपको सीमन की जरूरत नहीं है। अरे यूपी में फ्री बांट दूंगा सीमन तो। अरे वाह भाई वाह, छतरी भाई सलूट आदमी है भाई, दोनों कह लगे भाई आओ, मैं तो जो आने से मना कर रहा था, पर लेकिन पवन भाई बोल रहे आओ, जो भी तुम्हारी फीस पास है तो हम देंगे, जो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देखो, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, और जो पागल बने का काम करना पड़ेगा, मैंने कह रहा जब पागल बने का काम करेंगे तो जब ये इतिहास रचेगा। जी, जी, जी। क्योंकि आदमी देखो जो होशियार आदमी तो पागल है, तो अच्छा कुछ नहीं पता। अच्छा, पागल ही बोले, पागल बोले, अरे वाह, तो जो पागल है तो पागल ही जो इतिहास रच देगा। तो सूरज तो बोल रही फिर एक बार, वो तो सूरज तुम्हारे नाम का सूरज अलग निकला। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद करो जाके कोई थी चीज। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। देखो साथियों, तो आपने तो जी पवन भाई की, तो ये जो सारे जो पशु देखे, जो ये मुर्रा के और ये त्यागी जी, जी जी, तो ये अपने भाई है जो त्यागी जी है, अपने हिंदू भाई है, और ये सारी मुर्रा के ये पशु ले रहे हैं, और इधर से भी ये सारी ये तो पीठ से ले गई, ये एक्सेलेंट, बाकी ये सब वहीं हरियाणा से आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो साथ जो यही जो अपनी पालो और यही मुर्रा पैदा करो, बस सबसे बढ़िया यही यही हमारी आपको जो एक जागरूकता करने की, अपने जो सांड तैयार करो, देखो तैयार हो चुका है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो साथियों हमारी ये जो वीडियो बताना, तो लंबा सफर करके यहाँ पे के लिए जो सीमन लगाने के लिए भाई ने बुलाया था, तो हमारा प्रयास ही है कि जिम्मेदारी आपकी है कि उस किसान भाइयों के लिए, ठीक है ठीक है ठीक है, उसका कोई चार्ज किसी से किसी प्रकार का नहीं लिया। तो जो सांड आप लाओगे, सांड 416 जो आपका है, हाँ वो मिला रहा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तैयार करेंगे, 2 साल का सीमन देने लगेगा, हाँ हाँ, 2-2.5 साल का चिकेयर करके, हाँ हाँ दे देगा, और मालिक ने शुरू करो। चलो साथियों, तो ये बताना तो ये हमारी वीडियो आज तो ये कैसी लगी। जय गो माता, जय भारत, मेरा भारत महान।